नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, सुबह के 7 बज चुके हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ। सब अपने दोस्तों को लेकर आओ, मैथमेटिक्स की क्लास सीखनी शुरू होने वाली है, जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हमने क्षेत्रमितीय आयतन की प्रश्नावली चल रही है हमारी, उसमें 2 पार्ट हमने सीख लिए। पहला हमने सीखा था त्रिभुज से संबंधित था, दूसरा चतुर्भुज, और तीसरा पार्ट है हमारा वो आज करवाने वाले हैं हम। इसमें हम बात करें तो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी वृत्त के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग मैंने 20 क्वेश्चन लिए, तो 20 क्वेश्चन वृत्त के हम करेंगे। तो वृत्त आपके टॉपिक पूरा हो जाएगा दोस्तों, एकदम इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। जिनका 19 जनवरी के एग्जाम है तो उनको खास तौर से ये क्लास लेनी चाहिए दोस्तों। एक तो आप थोड़ी सी कंजूसी करते हो, मतलब सब्सक्राइब जो भाई नए है वो सब्सक्राइब किया करो चैनल को, काफ़ी सारे सब्सक्राइब कर भी चुके हो, लेकिन कोई भाई नया हो तो सब्सक्राइब कर दो और क्लास को जल्दी से लाइक कर दिया करो, क्योंकि हमें आपका लाइक इतना सपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की और शेयर इतना किया करो दोस्तों कि हमें इतना सपोर्ट मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों शेयरफुल किया करो, अपने दोस्त जो भी होते हैं तैयारी करने वाले उसके साथ शेयर कर दिया करो, और हो सकेगा तो दोस्तों सोमवार से हम एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। सोमवार से हम साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, सुबह 8 बजे रेगुलर क्लास करने की हम सोच रहे हैं, जिसमें लगभग प्रत्येक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। एक टॉपिक के लगभग 75+ क्वेश्चन दोस्तों, एक टॉपिक के 75+ क्वेश्चन करवाने का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। वो हमारा प्लान कैसा है दोस्तों, एक बार लाइव चैट में सब जवाब दो, क्या वो क्लास हम शुरू करें साइंस में 75+ प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन करवाने के हम ये क्लास का सोच रहे हैं, क्या वो प्लान हम शुरू करें दोस्तों। जैसे पहले हम ध्वनि करवाएंगे, फिर उष्मा, वो इस तरह से हम प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन करें, लगभग 60-75। तो दोस्तों वो हमारा प्लान अभी चल रहा है, देखते हैं उस पर निर्णय लेंगे शीघ्र ही। तो सोमवार को आप एक बार 8 बजे सुबह आकर चेक जरूर कर देना, क्या पता हमारा प्लान सक्सेसफुली शुरू हो जाए सोमवार से। और कल रविवार है तो कल जो टेस्ट होगा वो देना मत भूलिएगा दोस्तों, कल टेस्ट होगा सुबह 11 बजे, मॉडल टेस्ट वो देना। चलिए दोस्तों बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक वृत्त के 1 बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दोस्तों पहले बात कर लेते हैं वृत्त, वृत्त आपको पता कैसा होता है, ऐसा होता है। अब बात करें एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु मान लिया ये बिंदु है, तो आपको पता है एक वृत्त के 1 बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सही कर लेना, स्पर्श है प्रतिशत नहीं करवाना, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपको पता है 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा होती है दोस्तों लंबाई में भी बराबर होती है, आप ध्यान रखना। और त्रिज्या के साथ दोनों स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। कितनी का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो 90 90 ये 180 हो गया, इसका मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होगा। यदि ये मान लो 60 डिग्री है, ये दोस्तों 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, ये दोस्तों ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है प्रतिच्छेद रेखा वो वृत्त को काटती है, जबकि स्पर्श रेखा केवल उसको टच करती है, यानी स्पर्श करती है, वृत्त को काटती नहीं, ये दोस्तों ध्यान रखना है मेन चीज ये। तो 1 बाह्य बिंदु से दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आपके खींची जा सकती है 2 दोस्तों। कितनी खींची जा सकती है? 2। और दोनों की लंबाई दोस्तों क्या होती है? बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर कितने डिग्री कोण बनती है? समवाह कोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? जैसा कि आप सबको मालूम है जीवा क्या होती है, पहले बात तो यह आपको पता होना चाहिए जीवा क्या होती है। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जैसे ये सारी क्या है दोस्तों, ये वृत्त की सारी क्या होती है? जीवाई होती है। वृत्त की सारी क्या होती है दोस्तों? जीवाई होती है। ऐसे भी ये भी क्या है? जीवाई है। ये मिलाते हैं, यानी परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है दोस्तों? जीवा कहलाती है। अब बात कर लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आपको पता है केंद्र से गुजरेगी दोस्तों। कहाँ से गुजरेगी? केंद्र से गुजरेगी। और केंद्र से गुजरने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी वो दोस्तों क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जवाब भी दिए, ध्यान रखना दोस्तों। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास होती है, जो कि केंद्र से गुजरती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं।
वृत्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखा है? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्वेश्चन का जवाब कौन कौन दे पाते हैं। वृत्त के, दोस्तों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों जल्दी से जवाब दो। तो आप सबको मालूम होगा दोस्तों ये होता है वृत्त। मान लो थोड़ा सा मैं आकृति सही तरीके से नहीं बना पाऊँ, थोड़ा आप देख लेना वृत्त है, ठीक है? नहीं वृत्त है तो उसके केंद्र से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों पहली बात तो अगले ने कहा स्पर्श रेखा, तो वृत्त के अंदर से जाएगी नहीं, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा गुजरती नहीं है, तो केंद्र से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, जीरो होगी। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना आप, वृत्त के केंद्र से यानी वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा जाती नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा तो केवल वृत्त को स्पर्श करती है, अंदर से नहीं जाती है। दोस्तों इस कारण स्पर्श रेखा केंद्र से कहे तो जीरो होती है, ध्यान रखना स्पर्श रेखा केवल स्पर्श करती है, अंदर से नहीं जाती है, इस कारण क्या होगी, केंद्र से जाने वाली जीरो होगी। चलिए दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल सा था, और ऊपर वाला जैसा कि आपने देख ही लिया था क्या था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और पहले वाला था वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए दोस्तों ये हमने कर ही लिया, मतलब केंद्र से कितनी आपको बताया नहीं खींची जा सकती स्पर्श रेखा। अगला है दोस्तों, जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी प्रतिच्छेद रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों प्रतिच्छेद रेखा वो होती है जो वृत्त को काट कर जाती है, यानी वृत्त को दो भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है, वृत्त को दो भागों में काट देती है दोस्तों प्रतिच्छेद रेखा। और कहे वृत्त को कितनी जगह मतलब काटती है, तो दो जगह से मतलब आपको पता है दो भाग कर देती है, एक जैसे ये क्या है प्रतिच्छेद रेखा है, ये भी क्या है प्रतिच्छेद रेखा है, ये दोस्तों वृत्त की क्या है प्रतिच्छेद रेखा होती है, यानी वृत्त को प्रतिच्छेद यानी काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। अब बात करती है वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी प्रतिच्छेद रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों आप जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिच्छेद रेखा एक बाह्य बिंदु से अनेक खींची जा सकती है, दोस्तों कितनी खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है, जबकि स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु से मात्र दो खींची जा सकती है दोस्तों, जबकि प्रतिच्छेद रेखा अनंत खींची जा सकती है दोस्तों, कितनी? डी, क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा दो ही क्यों थी, क्योंकि पूरी पूरी तो देखो स्पर्श रेखा तो दो ही होगी, देखो अंदर ले लेंगे तो वो काट जाएगी और बाहर ले लेंगे वो क्या होगी, ये ध्यान रखना मतलब वो पर स्पर्श नहीं करेगी, तो स्पर्श रेखा तो एक बाह्य बिंदु से दोस्तों मात्र दो होती है, जबकि प्रतिच्छेद रेखा काटने वाली दोस्तों देखो अनंत है, तो आप क्या करोगे इसका जवाब, यानी आपको कहना एक बाह्य बिंदु से प्रतिच्छेद रेखा तब तो आपको अनंत करके आना ऑप्शन, और यदि कही स्पर्श रेखा तो मात्र दो होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद रेखा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? अभी बताया था दोस्तों प्रतिच्छेद रेखा होती है एक प्रतिच्छेद रेखा, यहाँ ऐसे लिख लेना एक प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है ना, थोड़ा मैंने यहाँ लिखा नहीं, एक प्रतिच्छेद रेखा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? दोस्तों दो भागों में बांटती है, बड़ा एक तो होता है दीर्घ वृत्तखंड, बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को कहते हैं लघु वृत्तखंड, ये आपको ध्यान रखना। तो यानी हम बात करें प्रतिच्छेद रेखा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? दोस्तों दो भागों में, एक यहाँ लिख लेना एक, क्योंकि ऐसे तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक प्रतिच्छेद रेखा है वो वृत्त को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वृत्त कोण कितने डिग्री का होता है? दोस्तों आप सबको मालूम होगा वृत्त कोण यानी पूरा एक चक्कर पूरा करने में मतलब वो कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। दोस्तों कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो वृत्त कोण की बात करें दोस्तों कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? राइट होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, अर्धवृत्त को कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप बात करें दोस्तों अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त कोण की बात करें तो आपको बताइए कोण कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त कोण होता है 180 डिग्री का। दोस्तों कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, क्योंकि वृत्त का आधा क्या होगा? अर्धवृत्त कोण होगा, कितने डिग्री का होगा? 180। यदि दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने दिया भी है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण यानी अंदर अंतरित कोण, दोस्तों ध्यान रखना अर्धवृत्त कोण कहे तो आपको 180 डिग्री करके आना है, क्योंकि वृत्त कोण 360 डिग्री का होता है और अर्धवृत्त कोण का मतलब आधे वृत्त द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? उसका आधा होगा 360 का, यानी 180 डिग्री। और आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे
अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण, तो अर्धवृत्त यह हुआ और इसके अंदर अंतरित कोण दोस्तों, तो बात करें तो यह 90 डिग्री का होता है दोस्तों। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, जैसा कि अगला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर ही लिए, जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों। अगला मैंने दिया है, यही दिया अर्धवृत्त के अंदर बना कोण दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। अर्धवृत्त कोण होता है वो तो होता है 180 डिग्री का, कितना होता है 360 का होता है, यानी 180 डिग्री का होगा। जबकि अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण यानी ऐसे देना, तो ये कौन होता है दोस्तों 90 डिग्री का, कितने का होता है 90 डिग्री का। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण तो होता है 90 डिग्री का और अर्धवृत्त कोण होता है 180 डिग्री का। दोनों क्वेश्चन दोस्तों आए हुए कई बार, तो ध्यान रखना 90 डिग्री होगा अर्धवृत्त के अंदर बना कोण या अंदर अंतरित कोण, जबकि अर्धवृत्त कोण होता है 180 डिग्री का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों। अब आपको सबको पता होगा, पहले बात कर लेते हैं वृत्त की परिधि का, मतलब है चारों ओर की जो लंबाई होती है ना वो परिधि होती है, परिधि कह दो या परिमाप कह दो या परिमिति कह दो, और क्षेत्रफल का मतलब है पता ही है। तो वृत्त की यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसकी परिधि बताओ दोस्तों। परिधि आपको सबको पता होगा, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र दोस्तों क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr होती है। इसका मतलब आपको आर दे रखा है 2 × 22/7 गुणा कितना दोस्तों, आर आपको कितना दिया है यार देख लो, आर आपको दे रखा है 7, तो 7 से 7 काट दो दोस्तों, कितना है 22 × 44 मीटर है, तो मीटर आएगा, तो 44 मीटर आपकी दोस्तों क्या आएगी, परिधि आएगी या कहीं परिमिति, तो 44 मीटर वाला ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका जवाब भी दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है ये दोस्तों, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बता रहे हूँ, ये बीकानेर भर्ती सहायक 2017 में आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन 2017 बीकानेर भर्ती में जो एग्जाम हुआ था आर्मी जेडी का, उसमें आया हुआ है। देख लेते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। यदि एक अर्धवृत्त का मतलब सॉरी एक वृत्त का अर्धव्यास 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन एक बार देखो और फिर इसका जवाब दो, देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, व्यास का कहे तब तो आपको आधा करना है, लेकिन अगले ने डायरेक्ट दे दिया अर्धव्यास दोस्तों। ध्यान तो अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या ही होता है दोस्तों। यहाँ त्रिज्या आपको दे दिया, कितने दे दिया 14, त्रिज्या आपको 14 मीटर दिए। अब कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 14 का आधा दोबारा और कर देते हैं, कितना 7 कर देते हैं, जबकि आपको ऐसे कहता ना व्यास 14 है तब तो आधा करना था, जबकि अर्धव्यास दिया इसका मतलब डायरेक्ट अगले ने क्या दी, त्रिज्या दे दी है, इसका मतलब त्रिज्या आपके पास है और आपको क्षेत्रफल का सूत्र आता है वृत्त का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 22/7 गुणा 14 × 14 दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है खास तौर से। अर्धव्यास दे तो आपको आधे करने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या ही दे रखी है, जबकि व्यास दे तब आपको आधा कर लेना त्रिज्या के लिए, ये ध्यान रखना ठीक है। चलो काट देते हैं 7 से कितनी बार, 2 बार। अब देखो 22 गुणा कितना 14 × 28 ना 28, अब इसको गुणा कर दो, देख लो 28 × 56 कितनी लगी हासिल 5, 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी कितना होगा आपका जवाब आ गया 616। क्या आएगा दोस्तों, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर रहेगा, 616 मीटर स्क्वायर, यानी आपका क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, जल्दी से जवाब दो ताकि हम भी जान पाए कि आप हमारी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो या ऐसे ही हम रेगुलर क्लास लगा रहे हैं। और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास लंबी होती है तो मैं कहना आपको भूल जाता हूँ लाइक करना, तो इसमें आप कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो दोस्तों, और इंटरेस्ट लिया करो क्लास में, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाते हो। तो क्लास पूरी लोगे तो मैथ में हमारा टारगेट है 15 में से 15, वो टारगेट में रोजाना आपको याद दिलाता हूँ ताकि आप कहीं भूल न जाए। 15 में से 15 वाला टारगेट दोस्तों, मैथ में 15 में से 15 हमारे पढ़ाई में से बाहर आ जाए तो आप बता देना मुझे, ये मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, मैथ में बाहर से नहीं आएगा, रेगुलर क्लास लेते रहेगा। और साइंस की क्लास भी हम कह रहे हैं सोमवार से स्टार्ट करने वाले हैं, यदि बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तब भी हम रेगुलर क्लास रखेंगे दोस्तों साइंस की, क्योंकि आपको पता है एक टॉपिक के में 75 लगभग 70-75 क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक के 70-75 क्वेश्चन, तो वो केवल आर्मी लेवल के भी बच्चे देख सकते हैं और रेलवे एनटीपीसी कोई भी तैयारी करने वाले हैं। साइंस अब टारगेट हमारा साइंस मैथ पे ही रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि प्रत्येक स्टूडेंट को, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को हमें साइंस
और मैथमेटिक्स है वो तैयार करवाना है। तो ये टारगेट हमारा रहने वाला है, यदि आप फुल सपोर्ट करोगे, फुल शेयर करोगे, तभी दोस्तों हमारा प्लान सक्सेस होगा। आप सहयोग करेंगे तो हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक कमज़ोर स्टूडेंट के लिए हम कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो आप शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्लास पूरी होने के बाद इतना शेयर करना, इतना सपोर्ट करना हमें कि हमारा अगला टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी दोस्तों जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो परिधि दे रखी है, परिधि का मतलब दोस्तों क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना। परिधि बराबर आपको दे दिया दोस्तों 2πr बराबर आपको दे दिया, कितना दिया 88 मीटर, जिसका मान दे रखा हो वह दोस्तों उस सूत्र के बराबर रख लिया करो। इसका मतलब चलो अब कर लेते इसको हल, 2 × 22/7 × r, क्योंकि r का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना दोस्तों 88। इसका मतलब आपको क्या है, आपको काट लो पहले, ये देखो 22 से काट दो, कितनी बार कटा दोस्तों 4 बार, कितनी बार 4 बार कटा ना, देख लेते 4 बार बिल्कुल। फिर इसको 2 से काट दो, कितनी बार 2 बार। आर बराबर आएगा दोस्तों 7 × 2, कितना आएगा 7 × 2, यानी आर आपका 14 आएगा। आर आपका 14 देखो आएगा, यहाँ मीटर है तो मीटर आएगा, ठीक है 14 मीटर। अब आपको दोस्तों ज्ञात क्या करना है, आपको केवल त्रिज्या ज्ञात नहीं करना है दोस्तों, आपको उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, त्रिज्या जब कितनी हो 14 हो, तो क्षेत्रफल अभी निकाला था पाई आर स्क्वायर वाले सूत्र से दोस्तों, आप निकाल लेना। तो 22/7 × 14 × 14, इसको दोस्तों अभी हमने हल किया था, तुरंत 7 से काट दो 2 बार। फिर इसको करना है 22 × 28, कितना करना है 22 × 28 दोस्तों, अभी किया था कितना आया था एक बार ध्यान से देख लो, गुणा कर लो, यानी 616 मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल दोस्तों आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जवाब भी सही दिया दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा, बढ़िया रिस्पॉन्स देते रहिएगा दोस्तों हमें। क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना तो भूलना भी नहीं है किसी को, वो तो मतलब आप सभी के लिए सहयोग मिलेगा, सभी दोस्तों को सहयोग होगा, क्योंकि आप देख पाओगे मैथ की क्लास एकदम शॉर्टकट ट्रिक, या कहें हम एकदम आसान तरीके से बताते हैं दोस्तों, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को गणित मुझे पता है कि समझ में आ जाती है। मैं जो पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ, बढ़िया लग रहा है, और आप ऑनलाइन में भी इतना सहयोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, आपको मैं धन्यवाद दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसकी परिधि बताओ। क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 154 देते। इसका मतलब हमें त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, 22/7 × r² बराबर दोस्तों कितना दिया 154। इसका मतलब काट देते हैं 22 से, ये कितनी बार कट कटेगा 7 बार। इसका मतलब r² = 7 × 7, यानी 49 r है जो भी है। तो r बराबर आपका सीधी सी बात है कितना है दोस्तों 7 है, r बराबर कितना है 7 आ गया ना, मीटर है जो मीटर में, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है दोस्तों। त्रिज्या कहता तब तो आपका 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले ने कहा परिधि। परिधि का मतलब दोस्तों 2πr, तो 2 × 22/7 × कितना लगाओगे दोस्तों 7, 7 से 7 काट दो, कितनी बार कटा एक बार कटा, ठीक है 22 × 2 कितना होगा दोस्तों 44 मीटर। क्या परिधि आपकी दोस्तों कितनी आएगी, 44 मीटर वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ए राइट होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल 154 है तो आप सबको पता ही, त्रिज्या कितनी आएगी 7 आएगी, त्रिज्या 7 आएगी, हम परिधि निकाल लेंगे दोस्तों कितनी आएगी 44 आएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्या है, यदि एक घोड़ा 60 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो कितने क्षेत्रफल का घास चरेगा। तो आपको पता है जो घोड़ा होता है ना, वो चरने का, घास चरने का मतलब है इतनी रस्सी है तो इतनी दूरी में वो घास चरेगा। इसका मतलब वो एक वृत्ताकार की तरह होगा, वृत्ताकार की तरह होगा। कोई घोड़ा यहाँ बंधा है, मान लो यहाँ खूंटा है, तो खूंटे के घोड़ा बंधा है तो वो घास चरेगा। इसका मतलब इतने क्षेत्रफल पे, यानी वर्ताकार बनेगा खूंटा। आप जानती है दोस्तों खूंटा कौन कौन जानती है, एक बार लाइव चैट में जवाब दो। खूंटे का मतलब होता है घोड़ा बांधना चाहता है, उसको बोलते हैं खूंटा, ठीक है। चलिए दोस्तों घोड़े को बांधेंगे तो 7 मीटर की रस्सी है, तो इसका मतलब वो चारों मेर वहाँ चरेगा, तो वो क्या होगा वृत्त बनेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जल्दी से निकाल लो, 22/7 × r कितनी है, जो रस्सी होगी वही होगी, ठीक है, ये काट के हल कर दो, 7 से 7 कटा,
22 दोस्तों कितना हो गया 154 मीटर की रेशी है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों ये राइट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में। दोस्तों एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश की थी। एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कौन कौन मुझे जानते हो, पहले से मेरी क्लास ली हुई है दोस्तों, एक बार लाइव चैट में जवाब दो। जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं देखते हैं वो भी कितने स्टूडेंट यहाँ लाइव आ रहे हैं, एक बार आज चेक कर लेते हैं। आज मैं मुझे भी ऐसा लगा कि देख लेते कौन कौन स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासों में मेरी क्लास ली हुई है या लेते हैं वो आज लाइव है। जल्दी से एक बार लाइव चैट में जवाब दो ताकि हम भी जान पाए कि कौन कौन स्टूडेंट हमारी क्लास और भी ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। और आप जल्दी से अपना अपना मतलब जो स्टेट कमेंट कीजिए, देखते कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। ये क्लास दोस्तों सीधी प्रसारित की जा रही है राजस्थान के चूरू जिले की सरदार सर तहसील से सीधी प्रसारित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे नहीं जानते हो तो आप, मैं सरदार सर से हूँ। कोई मेरा स्टूडेंट जो भी है यहाँ से देख रहा है तो जरूर जो सरदार सर का है उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात है क्योंकि वो हमें देख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये क्लास है चूरू जिला राजस्थान के चूरू जिले की सरदार सर तहसील से सीधी प्रसारित की जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है? यदि एक वृत्त के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वह 200 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहले बात, आपने जैसे ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं तो आपको पता है एक ग्राउंड का चक्कर होता है और जितने चक्कर लगाते हैं उससे गुणा करते हैं तो कुल दूरी आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है? तो कुल दूरी की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना, दूरी आपको कहे तो चक्कर गुणा एक चक्कर की दूरी था, चक्कर गुणा चक्करों की संख्या लिख लो पहले तो कितनी है, गुणा 2πr। 2πr का मतलब एक चक्कर की दूरी होती है, परिधि होती है। तो चक्कर कितना है दोस्तों, यहाँ दे रखा है 200, चक्कर कितना दिया 200, और गुणा 2 × 22/7 × 14। चलो कर देते एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम कर देते हैं 7 से कितनी बार कटाइए, 2 बार, 2 बार कटाना दोस्तों। तो 200 गुणा कितना, ये देखो कर लेते हैं, 22 × 44, 44 × 88, और 88 ने 2 गुणा कर दियो, चलो देख लिया कितना आवे, यानी 2 0 लगा दिए हमने। फिर देखो 16 हासिल लगी, 1 17 176। ठीक है, अब ये दोस्तों आएगा आपका सेंटीमीटर में, दोस्तों किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और यदि आपको मीटर में दे रखा है, देखो दोस्तों उत्तर है हमारे मीटर में, इसका मतलब किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, 100 का भाग दे दो। इसका मतलब 2 0 से 2 0 कट कर देंगे हमें, यानी कितना 176 मीटर आएगा दोस्तों। 176 मीटर वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों। या गुणा भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कर लेना चाहिए और सही करना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि चक्रों की संख्या को गुणा कर दो 2πr। 2πr क्या होती है, परिधि होती है, एक चक्कर का मतलब जो दूरी तय करता है वो होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो वह 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाए। अब वही तरीका है, अब की बार आपको कह दिया चक्कर बताओ, तो चक्कर बताओ, तो चक्कर आपको पता है क्या होगा, चक्करों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चक्कर बराबर होगा दोस्तों दूरी बटे 2πr। क्या होगा दोस्तों, दूरी बटे 2πr होगा, क्योंकि एक चक्कर का भाग दे देंगे कुल दूरी में तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। अब आपको दूरी किस में दे रखी है, 88 किलोमीटर में दे रखी है दोस्तों। 88 किलोमीटर है, इसको मतलब 3 0 लगा देते हैं, वो किस में आ गया, मीटर में आ गया, और त्रिज्या आपकी मीटर में है। क्योंकि हमें 3 0 क्यों लगाया, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है इसलिए। ठीक है, अब लगा दो 2 × 22/7 × आर कितना है दोस्तों, आप आर 7 है। ठीक है, अब चलो इसको कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, और वाई दोनों कितना होता है, 44 44 दोनों 88। इसका मतलब दोस्तों कितने चक्कर है, 2000 चक्कर। कितना है दोस्तों, 3 0 है, 2000 चक्कर। ठीक है, 2000 चक्कर वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, जल्दी से एक बार रीड आउट कर लो ताकि आपके समझ में तो आ गया ना दोस्तों। साथ साथ पेन कॉपी ले रखा करो और उत्तर जल्दी से देने की कोशिश किया करो। यदि आप जल्दी से उत्तर दोगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट तैयारी तो करे, नहीं तो आप नींद में रहते कहीं, तो मतलब सीधा क्लास देख रहे हैं, तो इसलिए आप एक्टिव रहिए। यदि मैथ की क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो फिर देखना कितना आनंद आता है आपको क्लास लेने में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने करके आपको बता दिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अब बात कर लेते, यदि एक वृत्त की
त्रिज्या दुगुनी कर दे तो उसकी परिधि कितने गुणी हो जाएगी। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूं, आपने परिधि का सूत्र क्या देखा था? परिधि का सूत्र दोस्तों था 2πr। परिधि का सूत्र क्या था? 2πr था। कितना था दोस्तों? 2πr था। इसका मतलब 2π तो बदलेगा नहीं, ये तो नियत है। अब बात कर ले आर पर निर्भर करेगा। आर यदि दुगुनी करेगी तो आर की घात देखो, यहाँ परिधि में आर की घात दोस्तों एक है, इसका मतलब दो गुणी किया तो दो की घात एक किया, यानी जो परिधि होगी वही क्या होगी? दो गुणी हो जाएगी। यानी त्रिज्या जितनी गुणी करती है दोस्तों परिधि भी उतनी गुणी हो जाती है। तो आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, यदि त्रिज्या एन गुणी करे तो परिधि भी एन गुणी होती है दोस्तों, क्योंकि आर की घात यहाँ एक है। और क्षेत्रफल का कहता ना दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? परिधि के लिए कहे तो वो कितने गुणी होगी? दो गुणी होगी। यानी जितने गुणी त्रिज्या करता है उतने गुणी दोस्तों परिधि होता है। जबकि क्षेत्रफल की बात करता तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो नियत रहेगा, आर की स्क्वायर है तो दो की स्क्वायर, दो गुणा किया इसका मतलब दो की स्क्वायर ऊपर है तो चार गुणा। क्षेत्रफल का कहता दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल का कहता तो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि आर स्क्वायर आता है, इसका मतलब दो का स्क्वायर चार गुणा होता। क्षेत्रफल दोस्तों चार गुणा होता, जबकि परिधि दो गुणी होती है। जितने गुणी करती है परिधि तो दोस्तों उतने गुणी होती है, जबकि क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुणा हो जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि यदि हम बात करें त्रिज्या क्या करे, त्रिज्या एन गुणा करे, दोस्तों ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, त्रिज्या एन गुणा करे, एन गुणा करे तो परिधि तो क्या होगी दोस्तों? परिधि तो एन गुणा ही होगी। परिधि क्या होगी दोस्तों? एन गुणा। क्या होगी? एन गुणा। और यदि बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाता है? एन स्क्वायर गुणा हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? एन स्क्वायर गुणा हो जाता है। ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्षेत्रफल में आर स्क्वायर आता है और परिधि में केवल आर की घात एक आता है। तो ये आप नोट कर लेना दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या तीन गुणी कर दे तो क्षेत्रफल कितने गुणा हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको अभी बताया था एन स्क्वायर गुणा हो जाता है। इसका मतलब तीन का स्क्वायर कितना होगा? नौ होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आता है, आर का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो नौ गुणा होगा। कितना गुणा होगा? क्षेत्रफल दोस्तों नौ गुणा होगा। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल कितने गुणा होगा? नौ गुणा होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या राइट होगा? बी राइट होगा। यदि आपको कहता परिधि कितने गुणा होगा तो परिधि तो दोस्तों उतने गुणा ही होता, जितने गुणा करता है त्रिज्या तो तीन गुणा ही होता। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, पीछे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा भी दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है तो परिधियों का अनुपात, दोस्तों हमेशा ध्यान रखना परिधियों का अनुपात वही होगा, क्योंकि दो की घात भी एक और तीन की घात भी एक, दो की घात भी एक और अनुपात लगाया फिर तीन की घात भी एक, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? 2:3 ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों 2:3 ही होगा, 2:3 ही होगा। यानी जिस अनुपात में त्रिज्या होती है उसी अनुपात में क्या होगा? परिधि होगा। जबकि क्षेत्रफल की बात करता है तो स्क्वायर होता है, यानी दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, इसका अनुपात क्या होगा? ये तो यही होगा, परिधि तो वही रहती है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल कहता है दोस्तों तो चार और नौ होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, दोस्तों क्षेत्रफलों का अभी बता रहा था, क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये अनुपात हो जाएगा आपका। यानी कितना? 9 और कितना 16 हो जाएगा दोस्तों, 9 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि आपको परिधि कहता ना दोस्तों तो परिधि का तो अनुपात वही रहता है, ये ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने इतना सहयोग दिया कि अंतिम क्लास तक आप बने रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक करने का आपका बनता ही है, क्योंकि अब आप क्लास पूरी करने वाले हैं अभी। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ लाइव क्लासे लगती है, मैथ और साइंस की शीघ्र ही शुरू होने वाली है, और मैथ की तो रेगुलर लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, रेड कलर का नीचे बटन है उसको दबाकर, और उसको दबाते ही साइड में एक बेल आइकन आएगा उसको भी ऑन कर लेना, ताकि लाइव क्लास शुरू हो जाए तो आपके पास नोटिस आ जाए, जल्दी से आप शुरुआत से क्लास ज्वाइन कर सको। चलिए दोस्तों क्या है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 64:81 तो त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो इसका मतलब आपको अब की बार उसका उल्टा दिया, यानी 64 का भी रूट निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो इसका मतलब 64 का भी रूट निकाल लो और 81 का भी रूट, यानी 8:9, यानी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
8:9 होगा, ये आपका जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइव चैट में जवाब दो और कमेंट करके जाइएगा आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।